कांग्रेस नेता और पूर्व प्रवक्ता संजय झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। संजय झा ने कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्हें निलंबित किए जाने की वजह पूछी, साथ ही सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। संजय झा ने कहा, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज और युवा नेताओं के बारे में लोग कहते हैं कि ये भविष्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री बनने लायक कैंडिडेट्स हैं, इनको अगर नजरअंदाज किया जा रहा है या इनकी अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि अपने टीम के सदस्यों के हुनर का कैसे उपयोग किया जा सकता है। ये लोग अगर बीजेपी में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। वहीं एक बातचीत के दौरान संजय झा ने पीएम मोदी और अमित शाह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ये चिंता की बात है कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। मेरा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना रहा है। उधर बीजेपी बहुत मजबूत है, पीएम मोदी और अमित शाह का नेतृत्व बेहद आक्रामक है, वह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी तैयार करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन राजनीति में युद्ध जीतना अनिवार्य है, वरना आपकी विचारधारा कोई सुनने वाला है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा, मुझे किसी पद का लोभ नहीं है, मैं कांग्रेस में था, मुझे निलंबित किया गया, इसके बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं विचारधारा में जितना कांग्रेसी हूं उतना 99% दिल्ली के लेबियंस में घूमते रहते हैं, उनसे ज्यादा कांग्रेसी मैं हूं, इसलिए मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं सच्चा सिपाही हूं। संजय झा ने खुद को कांग्रेस से निलंबित किए जाने की वजह भी पूछी है। झा ने कहा, मैं सालों से कांग्रेस पार्टी में हूं, अब मैं पार्टी के इस फैसले को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि पार्टी ने ये कदम क्यों उठाया। मुझ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मैंने पार्टी के विरोध में कुछ भी काम नहीं किया। फिर भी मुझ पर ये आरोप लगाया तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता दिखाते हुए ये बताए कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा है, क्या गलत काम किया है। संजय झा ने आगे कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का कर्तव्य है कि वह हर सदस्य को बताए कि अगर उन्हें पार्टी से हटाया जाता है तो इसका कारण क्या है। बिना कारण अगर किसी को हटाया जाता है तो ये आंतरिक लोकतंत्र का उल्लंघन है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।